तो दोस्तों आपको एक बारबेल ले लेना है ना। बारबेल को दोस्तों आपको इस तरीके से कहीं कोने में लगा लेना है या ऐसे सपोर्ट में लगा लेना है जिससे आपको मतलब दिक्कत ना हो, पीछे से उस तरफ से बारबेल उठे ना और आगे पीछे ना हो, है ना, मतलब जम जाए इस कदर आपका सेट हो जाए ना। फिर आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों इस हैंडल की। दोस्तों ध्यान रखें आप हैंडल इस लोहे का ही उपयोग करें अगर आप ज्यादा वेट लेते हैं तो, क्योंकि इसमें दिक्कत हो सकती है। अगर आप वेट ज्यादा लोगे तो टूटने की, अगर आप रस्सी मस्सी का लोगे तो उसमें थोड़ी सी रिस्क रहती है। तो दोस्तों आप हमेशा लोहे का हैंडल उपयोग करें और वेट दोस्तों आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लगाएं। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में अपन क्या गलती करते हैं वो पहले अपन बात कर लेते हैं, फिर आपको बता दें किस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन क्या गलती करते हैं, एक तो बहुत से लोग क्या अपने लेग्स पर ध्यान नहीं देते, आते हैं और एक्सरसाइज को डायरेक्ट मतलब ये फंसाया, उसके बाद ना पोस्चर पर ध्यान देते, ना मसल कॉन्ट्रैक्ट होने पर ध्यान देते, है ना, ना मतलब उसको फील करते और ना अपने रेंज ऑफ मोशन पर ध्यान देते कि भाई कितना रेंज ऑफ मोशन लेना है अपन को और कितना स्ट्रेच करना है ना, कुछ पर भी ध्यान नहीं देते। और हाथ कितने बाहर लेना है, कितने अंदर लेना है, किस तरीके से रहे, मतलब आपको जो लेना है वो ऊपर लेना है या नीचे लेना है। तो दोस्तों सब समय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्या करते हैं बहुत से लोग आन के डायरेक्ट इस तरीके से उठा लिया है ना, अब की पैर की पोजीशन सही नहीं लगी इस तरीके से, मतलब जल्दबाजी में आके ये कर ला, ये हो गया है ना, कोई भी ध्यान नहीं दिया, ये कर रहे हैं, हाथ भी यहां से मोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हाथ मोड़ने में दोस्तों आपके बाइसेप और फोरआर्म ज्यादा ट्रेन हो रहे हैं, बैक पर लोड ही नहीं जा रहा, आप बाहर की तरफ इस तरीके से ले रहे हो ना, पूरा बाहर की तरफ। देखो एक बार आप ट्राई करके देखो और उसमें मतलब माइंड मसल कनेक्शन माना कि देखो आपको कौन सा मसल ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आप जब इस तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो दोस्तों आपका बाइसेप और फोरआर्म दोनों पंप होंगे और आपको फिर बाइसेप की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें वैसे ही पंप हो जाएगा। आप देखो इस तरीके से करोगे, ये हो रहा है बाइसेप, हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से अपन को एक्सरसाइज नहीं करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों किस तरीके से एक्सरसाइज को अपन को करना है, कैसा पोस्चर रखना है वो देखो। सबसे पहले दोस्तों आपको पैर पर ध्यान देना है ना, आपकी जो ग्रिपिंग रहे मतलब पैर जो ग्रिप रहेगी पैर की वो शोल्डर विड्थ रहेगी ना इस तरीके से, और फिर आपके पोस्चर बिल्कुल सीधा करो। उसके बाद क्वाड मसल मतलब आपकी ये बाहर की ओर इस तरीके से बेंड होनी चाहिए आपकी नी, इतनी इतनी, और यहां से बिल्कुल टाइट। फिर आपके शोल्डर पीछे कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए इस तरीके से, पीछे कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट अप, कोर टाइट, है ना, और ब्रीथ अंदर। फिर आपकी नी अच्छी मुड़ी होनी चाहिए ना, बिल्कुल कम नहीं, इस तरीके से नी मुड़ी होनी चाहिए जिससे आपके बैक का पोस्चर रहेगा वो सही रहेगा, है ना, और सांस बिल्कुल अंदर इस तरीके से भर लेना है ना, और ग्रिपिंग जो रहेगी वो आपको बिल्कुल मजबूत थंबनेल ग्रिप रखना है ना, और आपके लोअर चेस्ट के बिल्कुल नीचे रखना है आपके इसको, है ना, हैंडल को, और इतना आपको झुक जाना है। बहुत से लोग क्या होते हैं इतने ऊपर रहते हैं ये करते हैं, तो दोस्तों इतना नहीं करना है, आपको बेंड हो जाना है ना, जिससे क्या होगा दोस्तों आपको रेड मतलब वो आपका सॉरी रियल रेड बोल रहा हूँ, आपका लोअर ट्रैप भी ट्रेन होगा अच्छे से और आपका लोअर बैक पे पूरा अच्छा लोड जाएगा तो अच्छे से ट्रेन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बेंड हो जाना है और स्ट्रेच देना फील के साथ देना, और अंदर की ओर हाथ लेके आना है, ये बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट। आपको दोस्तों ध्यान रखे हाथ अगर ऊपर की ओर ज्यादा आएगा तो आपका लेग्स मसल ट्रेन होगा और अपर बैक पर आएगा, है ना, ज्यादा है ना। दोस्तों अगर आप नीचे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से पीछे की ओर, तो दोस्तों आपका लोअर बैक जो इस एक्सरसाइज में ज्यादा मतलब ट्रेन होता है वही आपका अच्छा ट्रेन होगा, मतलब लोअर बैक पर आपको ट्रेन करना है इससे, इस तरीके से दोस्तों इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। 1 2 3 4 5 स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेच, इस तरीके से दोस्तों अपन को इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है।